आज हम बात करेंगे नाथूराम गोडसे, जो कि स्वतंत्रता की लड़ाई में क्रांतिकारी रह चुके हैं, और से कहीं ज्यादा इन्हें मोहनदास करमचंद गांधी के हत्यारे के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि एक समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वो कार्यरत थे। इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान दिया, गांधी जी के साथ काम भी किया। एक समय था जब ये गांधी जी का बेहद सम्मान और समर्थन किया करते थे, लेकिन बापू के साथ इनके कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए और ये बापू के विरोधी हो गए। दरअसल नाथूराम गोडसे का जन्म ब्रिटिश जिले के बारामती यानी पुणे जिले में हुआ था। नाथूराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता विनायक वामन राव गोडसे पोस्ट ऑफिस में कार्यरत थे, साथ ही एक धर्म कार्यालय कर्मचारी भी थे। नाथूराम का नाम जन्म से तो रामचंद्र था, लेकिन बाद में नाम को बदलकर नाथूराम रखा गया, जिसका अर्थ होता है रचनात्मक। नाथूराम के जीवन से जुड़ी सबसे अहम जानकारी हम आपको दे दें कि नाथूराम को बचपन से ही लड़की के तौर पर पाला पोसा गया। वो क्यों, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल जब नाथूराम का जन्म हुआ, तब उनके माता पिता को ये डर था कहीं रामचंद्र को भी कुछ न हो जाए। उनका ऐसा मानना था कि उनके परिवार में बालक जीवित ही नहीं रह पाते, इसलिए इनके माता पिता ने उन्हें कुछ समय तक लड़की बनाकर रखा। उन्हें नाक छिदवाकर नथ भी पहनाई गई और उन्हें एक लड़की की तरह पाला पोसा गया, और ये बात सभी से छुपा कर रखी गई। कुछ समय के बाद इनके छोटे भाई यानी कि गोपाल के जन्म के बाद इन्हें लड़के के रूप में सबके सामने लाया गया। लेकिन बचपन में लड़की बनकर रहने वाले नाथूराम कट्टर हिंदू के छवि में ऐसे उभरे कि वो हिंदू के प्रति कोई बात गलत बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, और शुरू के दिनों में ही राजनीतिक जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। बाद में सन 1930 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छोड़कर अखिल हिंदू महासभा में चले गए। इसके साथ साथ उन्होंने अग्रणी और हिंदू राष्ट्र नामक दो समाचार पत्रों का संपादन भी किया। मोहम्मद अली जिन्ना की अलगावादी विचारधारा का विरोध पुरजोर तरीके से वो किया करते थे। सन 1980 में हैदराबाद के तत्कालीन शासक निजाम ने अपने राज्य में रहने वाले हिंदुओं पर बलात् जजिया कर लगाने का निर्णय लिया, जिसका हिंदू सभा ने जमकर विरोध किया। विरोध करने के लिए हिंदू महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष विनायक दामोदर सावरकर के आदेश पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का पहला गुट नाथूराम के नेतृत्व में ही हैदराबाद पहुंचा, जहां पर निजाम ने उन्हें बंदी बना लिया, उन्हें काफी दंड दिया। हालांकि जब निजाम के लिए गोडसे नासूर बन गए, तो फिर निजाम ने ही हार मान ली और उन्हें रिहा कर दिया और अपना निर्णय भी वापस लेना पड़ा। हम आपको बता दें कि नाथूराम शुरू के दिनों में महात्मा गांधी जी के कई कार्यक्रमों का समर्थन किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ही गांधी जी के लगातार और बार बार हिंदुओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीति अपनाए जाने और मुस्लिम तुष्टिकरण किए जाने की वजह से गांधी जी के वो दुश्मन बन बैठे। यही मुख्य कारण रहा जिसकी वजह से महात्मा गांधी को नाथूराम ने गोली मार दी। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी गांधी जी के अनशन पर बैठने से, जिस पर सभी लोग दुखी हुए। गोडसे और उनके मित्र भी महात्मा गांधी की इस हरकत से नाराज हो गए थे, और उसके बाद से ही उन्होंने गांधी जी को मारने के लिए योजना अनुसार नई दिल्ली के बिरला हाउस पहुंचकर 20 जनवरी 1948 को मदन लाल बहावा ने गांधी जी के अनशन सभा में बम फेंका, और इसी अफरा तफरी के बीच गांधी जी को मारना था, लेकिन उस समय उसकी पिस्तौल ही जाम हो गई और एकदम चल ना सकी। गोडसे और उनके साथी वहां से भाग खड़े हुए और पुणे वापस आ गए। मदनलाल पाहवा पकड़े गए, फिर ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा से करीब 40 मिनट पहले ही पहुंच चुके थे। जैसे ही गांधी प्रार्थना सभा के लिए परिसर में दाखिल हुए, नाथूराम गोडसे उनके सामने आ गए और उन्होंने दोनों हाथों से नमस्कार किया। बिना किसी देरी के अपनी पिस्तौल से 3 गोलियां लगातार चला दी, जिस वजह से गांधी जी की मृत्यु हो गई। गोडसे का कहना था कि गांधी जी अपनी मर्जी किया करते थे, वो कभी भी भारत के बारे में सही फैसले नहीं लेते थे, किसी की बात मनवाने के लिए अनशन पर बैठ जाया करते थे। हालांकि गोली मारने के बाद गोडसे ने भागने की जरा भी कोशिश नहीं की, वो कहते थे कि ऐसा करके उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, क्योंकि नाथूराम गोडसे देश के विभाजन और उस समय हुई सांप्रदायिक हिंसा में लाखों हिंदुओं की हत्या के लिए महात्मा गांधी को ही जिम्मेदार बताते थे।